शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे ये सब कहाँ कर रही हो तुम? हाँ? ओहो, अच्छे भले तो हैं हम। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है। करने दीजिए हमें थोड़ा बहुत काम। ऐसे बैठे बैठे ना उब जाते हैं हम। थोड़े बहुत में तुम कहाँ रुकती हो? कब से लगी हुई हो? सामान भी ना वो अलमारी को लगाने में समय लगता है ना थोड़ा। पिछले 7-8 दिन से डर के मारे हमने पेटी से कपड़े निकाले भी नहीं। जानते हैं ना वो भानु भैया ने घर से जाने के लिए कहा था, तब से कपड़े पेटी में ही थे। भानु भैया ने आराम करने के लिए भी कहा था? माँ अब फिर से काम कर रही है क्यों? हमने आपको मना किया था ना, आपकी तबीयत कितनी खराब है। जैसे उधर क्या पलटे काम करना शुरू हो गए। आ गई हमारी दादी अम्मा। पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमसे बिना कुछ बिस्तर से कैसे उठ गई? शवनी बेटा इनको अच्छे से ठीक करना, एक नहीं सुनती हमारी। चलिए लेटी आप जल्दी से, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप लेटी बस। अरे नहीं लेटना हमें शवनी, थक गए हैं ऐसे लेट लेट के। अगर थोड़ी देर और ऐसे लेटे रहे ना तो मर ही जाएंगे हम। पगली, कहने के लिए कह रहे थे, ऐसे बोलने से कोई मर थोड़ा ना जाता है। लेकिन माँ आज के बाद से आप ये बात हमारे सामने नहीं करेंगे, आप नहीं बोलेंगे। क्या हो गया बेटा, ऐसे परेशान हो गई एकदम से? सच कह रहे हैं हमारी तबीयत ठीक है अब। हमें कुछ नहीं सुनना, अब बात रखिए और कसम खाइए कि आप कुछ नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा नित्रा इतना जिद कर रही है वो तो मान लो ना उसकी बात। ठीक है दादी अम्मा, तुम्हारे सर की कसम नहीं करेंगे अब घर का काम और अपना ध्यान भी रखेंगे। चलिए जूस पी लीजिए। जूस तो पिला दिए, अब माँ बाबा को यहाँ से किसी हवादार जगह पर ले जाने के लिए कैसे मनाएं? माँ बाबा। हाँ बेटा। आप लोगों का यहाँ पर मन लग रहा है क्या? बिल्कुल बेटा, और भला ये क्या सवाल हुआ? ये घर तो अपना ही है ना, और यहाँ हमने अपनी आधी जिंदगी बिताई है, तो मन तो लगेगा ही ना। हाँ वो बात तो आपकी सही है, वो हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है ना घर में, तो इसलिए हमारा मन थोड़ा खट्टा हो गया, इसलिए हम चाह रहे थे कि कहीं बाहर जाए कुछ दिनों के लिए। वो क्या है ना, हमारा इतना मन कर रहा है कि कहीं पहाड़ों पे घूमने चले, हमें कहीं पहाड़ों पे जाना है, उधर चलना है। वो माँ की तबीयत के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए कह रहे चलते हैं ना थोड़े दिनों के लिए, और मजा भी बहुत आएगा। हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा सोचा है, रोका है कि ऐसी हालत में अभी तुम्हारी माँ के लिए सफर करना अच्छा नहीं रहेगा ना, अगर उन्होंने सफर किया तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। याद है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? बाबा माँ के लिए तो कह रहे, कैसे समझाए? शवनी बात सिर्फ हमारी तबीयत की नहीं है बेटा, तुम्हारे ताऊ जी ने इतने प्यार से हम दोनों को यहाँ पर रोका है, अभी अभी तो सब लोग आपस में घुल मिल रहे हैं, बातचीत करने लगे हैं, और मेरा बाबू तुम भी तो यही चाहती थी ना कि ऐसा हो। जब ऐसा हो रहा है हम सब ऐसे ही घूमने निकल जाएंगे तो क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे बेटा। नहीं बेटा ऐसे उदास नहीं होते। अरे तुम कहाँ चले? वो हम कीर्तन में जा रहे थे, राधिका है ना हमारी दोस्त, बस उसी के साथ आने ही वाली होगी वो। अच्छा ठीक है, वो हम मीटिंग के लिए एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जरा हमारा एक दिन का सामान पैक कर दो। आप बाहर जा रहे हैं? साइट पे जा रहे हैं, कल लौटेंगे।
आजकल आधा टाइम तो साइट पर ही रहते हैं। बीना, तैयार हो ना? हाँ, हम तैयार हैं। तुम अकेली हो? तुम्हारी दोस्त आने वाली थी ना? आई है ना? आई है तो बुलाओ उसको, एक कप चाय भी पी लेंगे। हाँ, हम बुलाते हैं। बुला। प्रीति, आओ बैठो ना। हमें पता नहीं था कि राधिका मैं तुम्हारे घर लेकर आ रही है। वो तो जब हम यहाँ आए तो हमें ध्यान आया। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। हाँ, वो पहचान वहचान नहीं रखते हम ऐसे लोगों से। जितना दूर रहे उतना ही बढ़िया है। हमें जाना होगा, माफ करना राधिका। हम नहीं आ पाएंगे, तुम लोग चले जाओ। बीना, मीटिंग आज घर से ही होगी। तुम एक काम करो ना, एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो हमारे लिए। जी। सॉरी बीना, वो प्रीति ऐसी नहीं है, पर पता नहीं क्यों। अरे तुम काहे माफी मांग रही हो? हमें पता है प्रीति ऐसी बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है कि उसको ना किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। कोई बात नहीं, हम कभी और चल लेंगे। ठीक है। प्रीति के पति ने ना जाने का जहर भर रखा है हमारे बारे में। माता रानी, मैं पता है कि बहादुर बच्चे रोते नहीं है, लेकिन क्या करें? आपने हमसे हमारी दादी को तो छीन लिया, अब आप हमसे हमारी माँ को भी छीन लोगे। ऐसा मत करो ना माता रानी, हमें थोड़ा सा वक्त दे दो। हमने क्या क्या सोचा था कि जब हमारे पापा की आंखें आ जाएंगी तो हम उन्हें इस हवेली में पूरे मान सम्मान से लेकर आएंगे। वो सपना तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन अब हमें मेरे माँ पापा को इस हवेली से दूर लेकर जाना होगा। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि माँ को ताजी हवा की जरूरत है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें चंद्रा ताई जी ने भी कहा था कि वो हमारे माँ बापा को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो डर के मारे नींद ही नहीं आ रही है माता रानी। हमारा ऐसे जाना ही ठीक है। जैसे तैसे माँ को ये कड़वा काढ़ा तो पिला देंगे, लेकिन हम माँ बाबा को इस घर से कहीं दूर ले जाने का बहाना कैसे बनाएंगे? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।